आजकल युवाओं में दो ही चीजों में फंसे हुए, प्यार और पैसा। तीसरे टॉपिक बहुत कम। और ये कुछ लोग प्यार के पीछे भाग लेते हैं आंख बंद करके, कुछ लोग पैसे के पीछे भाग लेते हैं आंख बंद करके, कि दोनों दोनों प्रकार के लोग सही नहीं कर पाते, न अपने जीवन के साथ सही कर पाते, न भविष्य के लिए सही कर पाते। क्योंकि जब तक दोनों चीजों का तालमेल नहीं होगा, पैसे और प्यार का, अगर केवल प्यार के पीछे भागोगे तो आपकी लाइफ छूट जाएगी, पढ़ाई छूट जाएगी, परिवार छूट जाएगा, जीवन छूट जाएगा, सब कुछ दूर होता चला जाएगा। आप भागते रहो प्यार के पीछे। अगर आप केवल पैसे के पीछे भागोगे तो आपकी इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग और जो आपका प्रेम और जो जहां से आपको ऊर्जा मिलनी होती है, वो ये चीजें दूर हो जाएंगी। तो इन चीजों का तालमेल इतना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी एक को ज्यादा महत्व कभी भी हमने दिया, चाहे प्यार को चाहे पैसे को, एक को ज्यादा महत्व जब देंगे तभी सारा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। कभी भी, चाहे बचपन में चाहे युवावस्था में, किसी भी समय के ऊपर अगर ये बैलेंस नहीं हुआ ना, तो आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। केवल पैसे से भी जीवन सफल नहीं होता। हमने बहुत देखा है, लोगों से मैं बहुत मिला हूँ जिनके पास बहुत करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन उनसे पूछो कि जीवन में कोई कमी, हाँ, प्यार नहीं मिला। पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, प्यार नहीं मिला। प्यार मात्र केवल ये नहीं कि अपनी प्रेमिका से ही हो, प्यार किसी भी रूप में हो सकता है। कि प्यार नहीं मिला तो ये हो गया ना, अधूरापन हुआ ना, सब कुछ पा करके भी सब कुछ खो दिया। और जो प्यार करने वाले हैं वो, उनको बोलो कि क्या कुछ कमी है, वो 2-4 वर्ष ही लगते हैं, उनके झगड़े शुरू हो जाते हैं पैसे को लेकर के, कि तूने मुझे पैसा नहीं दिया, खर्चा नहीं दे रहे, मुझे फोन लेना है, आईफोन लेना है, वहाँ जाना है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। इच्छाएं जो डिमांड है ना, वो बढ़ती जाएगी, वो पूरी कैसे करोगे? अगर आप पूरी नहीं करोगे तो कोई और भाई पूरी करेगा। अगर कोई और पूरी करेगा तो फिर वो आपका प्यार, आप समझो आजकल जो चल रहा है, सब चेंज हो जाता है, जीवन ही बदल जाता है। और आप फिर बैठे बैठे रोते रहे ना, और रोते रोते विचार आपको पता है किस प्रकार से होते हैं और क्या चलता है लाइफ में। मेरे से ज्यादा अनुभव है आप लोगों को इस लाइफ का। तो वो फिर तालमेल नहीं रहा ना। अगर आप करियर के ऊपर भी ध्यान दो और साथ में उनको लेकर भी चलो, और उनको भी ये समझाओ कि भाई आप भी करियर के ऊपर ध्यान दो, जीवन के ऊपर ध्यान दो, प्यार के साथ साथ अगर हम कैरियर को भी साथ लेकर के चलेंगे, दोनों का बैलेंस बनाते हुए, कि भाई प्यार भी चलता रहे, पढ़ाई भी चलती रहे, पढ़ाई में भी अच्छा हो, एक दूसरे को मोटिवेट करे, मदद करे, क्वेश्चन सोल्व में मदद करे, एक दूसरे की सहायता करे सब प्रकार से, उनके अंदर बोले एक दूसरे को कि अगर फर्स्ट आए तो ये तो चेंज हो जाएगा सब कुछ काफी। एक दूसरे को अगर समझ पाए, प्यार से हैंडल हो पाया, रास्ता सही चल पाए और कैरियर बन पाया, फिर आपको दोनों चीजें हासिल हो जाएंगी। केवल प्यार भी अधूरा है, केवल पैसे भी अधूरे हैं। अगर ये दोनों चीजें साथ चली, आप अच्छे इंसान बन जाओगे, जीवन में कभी कमी का एहसास नहीं होगा, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। क्योंकि जो भी सोचोगे, जो भी छोटी छोटी
विचार उत्पन्न होंगे, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो भी आ जाएंगे और प्यार आपके साथ है ही। तो आप दोनों चीजों को एक साथ लेकर के चले, और जब तक आप दोनों चीजों को एक साथ लेकर नहीं चलोगे, कभी भी आप ना मजबूत इंसान बन पाओगे, ना आपके फैसले मजबूत होंगे, ना आप जीवन में मतलब खुशी महसूस कर पाओगे, जीवन में उमंग भी नहीं होगी, सब उम्मीदें धीरे धीरे निरस होता जाएगा सब कुछ। तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक कामयाब जीवन जीने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, दोनों को तालमेल बनाते हुए और मंजिल तक दोनों चीज़ों को ले करके जाओगे, तब तक कामयाब नहीं होगे।